तो दोस्तों भारत में लंबी यात्रा करने के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन माना जाता है ट्रेन, और यही कारण है कि लगभग सभी रूटों में भारत सरकार लगातार वंदे भारत को लॉन्च करती जा रही है, जिसे एक मिनी बुलेट ट्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत में बुलेट ट्रेन अपना कदम रख देगी, और जिसकी रफ्तार बताई जा रही है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे तेज बुलेट ट्रेन किस देश में चलती है और क्या है उनकी रफ्तार? तो आज की वीडियो उसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चीन की। दोस्तों चीन में चलने वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चीन में बुलेट ट्रेन की आधारशिला 2007 में रखी गई थी, और एक साल के अंदर ही चीन की राजधानी बीजिंग में पहली पैसेंजर बुलेट ट्रेन दौड़ने लगी थी। लेकिन इससे कम अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका में चलने वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 354 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों की गति भी 145 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही बात करें तो जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है, और यहीं की बुलेट ट्रेन को दुनिया के सबसे आधुनिकतम और सुरक्षित माना जाता है। यहां चलने वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। जापान के अधिकतर प्रमुख शहर बुलेट ट्रेन से कनेक्टेड है। दोस्तों जर्मनी में चलने वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी सबसे तेज ट्रेन बर्लिन, हैमबर्ग और कोलोना शहर के बीच चलती है। जाते जाते बात करते हैं साउथ कोरिया में चलने वाली बुलेट ट्रेन की। दोस्तों साउथ कोरिया में चलने वाली बुलेट ट्रेन सबसे पुरानी और सबसे तेज है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहां 1992 से ही राजधानी सियोल और बुसन शहर के बीच बुलेट ट्रेन चल रही थी। वर्तमान में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन की गति 421 किलोमीटर प्रति घंटा है। और तो और बुलेट ट्रेन का सबसे ज्यादा विस्तार भी साउथ कोरिया में ही हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ देश और उनमें चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड। क्या भारत की बुलेट भी उतनी रफ्तार हासिल कर पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।